और इधर एक बड़ी खबर आ रही है हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से। यहां पर वीरभद्र सिंह को बड़ा झटका लगा है, एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज हो गई है। तो वीरभद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ गई, हाई कोर्ट से उन्हें झटका लगा है। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनकी याचिका मंजूर कर ली जाए, तो ईडी की एफआईआर रद्द करने की याचिका दाखिल की थी, उन्हें उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्मीदों को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम है वीरभद्र सिंह, तो दिल्ली हाई कोर्ट से झटका वीरभद्र सिंह को। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण का। गोपाल, जाहिर तौर पर मुश्किलें यहां पर वीरभद्र सिंह की बढ़ती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, मुश्किलें बढ़ जाएगी, और क्योंकि ईडी ने जो समन जारी किया था उस समन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप है काफी गंभीर है, और जो सबूत ईडी ने दिए थे हाई कोर्ट में उसको सही ठहराते हुए वीरभद्र सिंह की उनसे याचिकाओं को खारिज कर दिया है। क्योंकि वीरभद्र सिंह ने कहा था कि सीबीआई इस मामले की जांच के लिए, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है, इसलिए ईडी को रोका जाए कि वो इनसे सवाल जवाब न करे, लेकिन इस मांग को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिल्कुल, तो इनसे सवाल और जवाबों का सिलसिला अब भविष्य में चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो वीरभद्र सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, ईडी की एफआईआर रद्द करने की याचिका दाखिल की थी दिल्ली हाईकोर्ट में, तो इस याचिका को यहां पर रद्द कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के सीएम है वीरभद्र सिंह, तो उम्मीदें थी दिल्ली हाईकोर्ट से, लेकिन उन्हें एक बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट से।